बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी शिफात शाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफात व्लॉग्स। आज संडे था और बहुत सख्त गर्मी थी, जिसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ा काम भी कम था, बाजार में रश थोड़ा कम था। पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि पिछले दो तीन दिन हो गए हैं कि लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही। उससे पहले इतनी सख्त गर्मी थी और लोड शेडिंग जो है ना वाटर वालों ने ऐसे की थी जैसे कि स्वाप काम होता है। और आज काम के लिहाज से तो दिन इतना अच्छा नहीं था, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज जो है ना सुबह सुबह आते ही दो तीन मोबाइल परचेज़ कर लिए थे, जो कि आगे जाके मैं आपको वीडियो में शेयर भी करूँगा कि मैंने कौन कौन से मोबाइल परचेज़ किए हैं। और इसके अलावा जो है ना आज कुछ जो है ना मोबाइल सेल वगैरह जो है ना महल से आज मैंने कोई तकरीबन एक मोबाइल या दो मोबाइल सेल किए हैं, तो लेकिन तीन मोबाइल जो मैंने लिए हैं वो जो है ना कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। और जो कहते हैं कि यार जो मेरी दिहाड़ी लग गई, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और जो है ना कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ना वीडियो बहुत लेट चलाई है, तो इसकी ये वजह थी कि कुछ मेरी तबीयत नफास थी, कुछ लॉकडाउन ख़त्म हो गया और अब टाइम भी बहुत शार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। पर आज बैठे बैठे जाना आज दिन में आया कि चलो बनाते हैं वीडियो दुकान के ऊपर ही, साथ आपको अपनी दुकान दिखाते हैं और कुछ बातें शेयर करते हैं आपके साथ, और आपको मोबाइल दिखाते हैं जो उनसे मैंने आज परचेज़ किए हैं। और जो लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिए। तो आज मैंने जो मोबाइल लिए हैं, और पहले मैं आपको अपनी दुकान दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी शॉप है जवाब मोबाइल के नाम से। और ये सारी देखें, इतनी बड़ी दुकान नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि खाड़िया में यहाँ पे एक ही मार्केट है, नोकिया मार्केट बहुत मशहूर है, जहाँ पे ये मेरी शॉप है। और लगा बहुत करम है कि कई लोगों के पास तो दुकानें नहीं होती, पर लगा शुक्र है कि मेरे पास दुकान है और इससे हमारा रोज़गार चल रहा है बहुत अच्छा। और ये देखें, ये हमारी शॉप है और पीछे ये बाइक मार्केट है, जो इस वक्त बंद हो चुकी है क्योंकि टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, बड़े शहरों में दुकानें लेट बंद होती हैं, पर यहाँ पे जो है ना 7 बजे, 7:30 बजे, हद 8 बजे तक दुकानें क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने मेरी शॉप देखी है अभी, और प्लीज़ कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपको मेरी शॉप कैसी लगी, और जहाँ जहाँ पे बेहतरी हो सकती है फिटिंग के अंदर और शॉप के अंदर, तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे मुफीद मशवरा दीजिएगा कि मैं इसमें फिटिंग इस तरह ठीक है कि इससे बेहतर भी कर सकता हूँ। तो और आज जो है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज कौन कौन से मोबाइल लिए हैं। अच्छा, आज मैंने जो फ़ोन लिए हैं वो आपको मैं दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने सुबह सुबह जो फ़ोन लिया है वो है Y51F। ये बड़ा बेहतरीन फ़ोन है वीवो का, और ये देखें इस तरह जो है ना, ये बिल्कुल न्यू फ़ोन है और ये फ़ोन अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। लोग यहाँ पर किस्तों पर ख़रीदते हैं और ला के बेच देते हैं कैश के लिए। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, अंत कर दिया वीवो ने पकड़ के, इतना खूबसूरत कलर बनाया है। 8 GB रैम, 128 GB इसकी स्टोरेज है, और बिल्कुल न्यू फ़ोन है। ये देखें, इसका जो सामान वगैरह है वो भी बिल्कुल भी पैक है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं खुला हुआ। और आज हैरत की बात है, इत्तेफाक की बकरे बात है, आज मैंने तीन फ़ोन लिए हैं और तीनों ही वीवो के लिए हैं। और ये देखें, एक कहते हैं एक Y12S लिया है, Y20 लिया है और Y51, और इत्तेफाक ये भी देखेंगे सारे Y सीरीज़ के लिए हैं, तीनों फ़ोन Y सीरीज़ के हैं। और ये देखें Y12S, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ़ोन, नया हुआ है, पर ये फ़ोन जो है ना बिल्कुल न्यू नहीं है, ये 2-4 दिन फ़ोन चला हुआ है। और ये देखें, पर इस पर स्क्रैच वगैरह कोई भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ फ़ोन है और ख़ूबसूरत फ़ोन नया हुआ है। 3 GB और 32 GB इसकी मेमोरी है। वीवो इस पर मार्केट में छाया हुआ है क्योंकि इसके फ़ोन अच्छे भी हैं, बैटरी टाइम बहुत अच्छी है इनकी, और साथ प्राइस जो कि प्राइस सबसे ज़्यादा काउंट करती है इसके, क्योंकि जो है लोग जो होते हैं वो ये 15-20 हज़ार की रेंज में फ़ोन खरीदते हैं और ये अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। ये Y20 है, ये कुछ फ़ोन यूज़ हुआ और मैंने लिया है। इसके ऊपर देखें, हल्के हल्के स्क्रैच भी हैं, इतना साफ़ फ़ोन नहीं है और कलर भी थोड़ा सा माठा ही है, पर यहाँ पर हर चीज़ बिकती है, कस्टमर आता देखे तो उसे खरीदना पड़ता है। और
आज मैंने सिर्फ 3 फोन लिए हैं और इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ रोज़ तकरीबन वीडियो शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि रोज़ वीडियो शेयर करूं कि मैंने कौन कौन से फ़ोन लिए हैं। आज 3 फ़ोन लिए थे, तीनों मैंने आपको दिखाए हैं। और इसके अलावा किसी किस्म की फ़ोन की अपडेट लेनी हो, आपने प्राइस लेनी हो और कोई सेल परचेज करनी हो, ऑनलाइन फ़ोन मंगवाने हो, तो प्लीज़ अपना नंबर मैं मैंशन कर लगा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है ना आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो उस वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से आप लोग दूर रहें। और हमेशा मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।